अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर। राष्ट्र आज्ञा है, यदि आपको देश कहता है, राष्ट्र की आज्ञा को मानने वाली जहाँ बात है, हम वहाँ कुछ भी नहीं कहेंगे। और उसमें अब क्या है, क्या स्थिति है, क्योंकि देशकाल स्थिति के अनुसार, बस वो कुछ नहीं साहब, आप वो शांत रहो जी, जो जो जैसा हो रहा है उसके लिए। अब बाकी जहाँ आप बच सकते हैं वहाँ तो बचने का प्रयास करो, जहाँ मोटा मोटा जिसका आपको कोई सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। एक कोरोना की वैक्सीनेशन का यदि आपको नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कह रही है आपको सफ़र करना है, आपको जाना है दूसरी जगह पर, इसके बिना काम नहीं हो रहा है, कंपलसरी कर दी गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? बोलो, कुछ नहीं हो सकता है, रहना तो हिंदुस्तान में ही है ना आपको, तो ये सब जो होगा सो होगा, उस बात को आप छोड़ दीजिए। उसको आप वैशाख के अनुष्ठान भी क्या कहें उसको, माने क्योंकि आप काम करना बंद कर देंगे, आपको दुकान नहीं खोलने देंगे, आपको मॉल में नहीं जाने देंगे, आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, आपकी एंट्री नहीं होने देंगे, कई तरह की जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर आप वो सोचिए। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल है साहब, कंपलसरी नहीं है, तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई फील्ड वाले इस तरह के लोग हैं जिनके लिए कंपलसरी हैं, उनका क्या करेंगे आप? कई तरह के लोग हैं ना, कोई व्यक्ति सेना में है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, कई अलग अलग जगह पर हैं जो लोग, कोई जगह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा है जहाँ उन्होंने मांस से बनी है, क्या ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास में इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये मैसेज करते रहे कि पंडित जी लगवा लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये तो शुद्ध है, इसमें हिंसा नहीं है, ऐसी बातें भी कहते रहे। अब जाइए, जो भी होगा सो होगा, तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार जो जैसी परिस्थिति बनेगी सो बनेगी, जो भी होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, यदि समझ लीजिए आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, अब साहब हम तो, हमें तो पता है ये दवाइयाँ, कैंसर हो गया है, अब ये हो गया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ ही इस तरह की आती है, हमारे को पता है कुछ भी नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, दवाइयों को छोड़ करके आपने, वैक्सीन भी दवाई की श्रेणी में ही आता है ना, आपने जब मांस भक्षण का त्याग किया था तो उस समय आपने दवाई की छोड़ दी होगी, दवाई की छूट रखी होगी, सामर्थ्य ये जितनी डेवलप हो जाए आप छोड़ देना कि हमें एलोपैथ दवाइयाँ नहीं लेंगे। अरे जितना भी निभ सके उतना निभाओ, कम से कम इतना भी यदि आप कर लो, अष्टमी चतुर्दशी को नहीं लेंगे क्या, कम से कम इतना तो निभा सकते हैं, दस लक्षण पर्व के दिनों में किसी तरह की अभक्ष्य दवाई का सेवन नहीं करेंगे, अष्टानिका महापर्व के प्रसंग पर अभक्ष्य दवाई का सेवन नहीं करेंगे, इतना तो कम से कम सोचा जा सकता है। अरे जाएं तो जाएं, प्राण कोई बात नहीं, दस दिन के लिए त्याग नहीं लेंगे यार, कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, देखी जाएगी दस दिन बाद में जो कुछ भी होगा क्या, देखो जो होगी जैसी स्थिति है। देखो आप आगे कह रहे हैं यहाँ पर, आगे देखिए, अरे पूरा करना था भाई साहब, इसको कहाँ अटका दिया आप लोगों ने, ये सब प्रसंग स्वयं विवेक से भी निर्णय लेंगे खुद भी, कि सारा पाप पंडित जी के माथे पर ही डालेंगे, आप भी तो स्वयं विवेक से निर्णय लीजिए, और पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन, बहुत तरह की बातें होती है। मैं आज आपको कह दूं कि आप ये मत कीजिए, फिर आप कैंसर हो गया, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आप दवाई, आप इलाज नहीं करा रहे हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, फिर आपके परिवार लोग हमें फ़ोन करके कह रहे हैं, हमें वो आप शब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि यार ये कौन से पंडित की बात सुन ली तुमने, दवाई लेने के लिए मना, फिर हमारे पास में फ़ोन आते हैं, अरे पंडित जी हमारे अम्मा जी दवाई नहीं ले रहे हैं, हमारे बाबू जी नहीं ले रहे हैं, आप इनको समझाओ, दवाई तो लेनी पड़ेगी, ये होना पड़ेगा, भैया हम क्या बताएं तुम्हारे को, तुम स्वयं विवेक से निर्णय करो ना। होता है ऐसा जिग्नेश भाई, मैं ये बात कोई बात काल्पनिक नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास 200 फोन आज तक आ चुके हैं इस तरह के, इस बात के लिए कि पंडित जी आप समझा दो, ये तो छोड़ करके बैठ गए,
पंडित जी आप समझा दो, ये तो त्याग करके बैठ गए, अब पंडित जी बताओ ये कोई ठीक है क्या? अब उनके बच्चे पोते जो कभी धर्म सुने नहीं, कभी प्रवचन सुने नहीं, कभी आए नहीं, अब वो मेरे सामने प्रश्न रख देते, हम क्या बताएं तुम्हारे को, क्या समझाएं? रोजाना बैठ करके प्रवचन सुनो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। विवेक से निर्णय लेने वाली बातें होती है भाई साहब, तात्कालिक परिस्थितियाँ भी होती है, कभी कभी परिस्थितियों से भी निर्णय लिया जाता है, कौन व्यक्ति क्या निर्णय कर रहा है, ये सब बातें बहुत चीज़ें सोची जाती है। आपकी अचानक सर्जरी हो गई, अब आपके खून चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा बोलो, अब आपने त्याग किया है कि नहीं किया है, कि डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको बेहोशी की हालत में क्या क्या दे रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने पर ना मालूम आपको ड्रिप में क्या क्या डाल करके दे रहे हैं, वहाँ सिरिंज लगा दी है, इंजेक्शन लगा दिया है, डाला जा रहा है, अब क्या करोगे आप? तो आप तो जितना जितना सावधानी हो सके, हमारा जो धर्म है ये धर्म तो बहुत, मतलब इसको फ्लेक्सिबल भी मैं कह सकता हूँ और स्वय विवेक से निर्णय वाला भी कह सकता हूँ। जितनी प्रतिज्ञा ली हो इतना तो समझ लीजिए, जितनी प्रतिज्ञा ली हो कम से कम उतनी प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभाना, चाहे प्राण चले जावे तो भी हमें उसे निभाना चाहिए। अब जैसे देखिए लिख रहे हैं, किसी की बीपी की दवाइयाँ चलती है, किसी की डायबिटीज़ की चलती है, रोज़ाना लेना ज़रूरी है, तो भैया फिर मैं ये मेरे अनुसार मत चलना, तो आपकी विवेक अनुसार चलना। मैंने, अरे पंडित जी आपने कह दिया था 10 लक्षण में छोड़ने के लिए, हम तो त्याग करके बैठ गए, और फिर क्या हुआ कि 10 लक्षण पूरे भी नहीं हुए थे और अस्पताल में जा करके भर्ती हो गए, तो फिर अच्छा काम किया आपने। अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाने से, पर्व के दिनों में अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाने से तो अच्छा है, घर बैठ करके वो आधी गोली, एक गोली जो तुमने ली है, जैसा भी जो भी किया था उसे लेकर के विकल्प तोड़ करके निर्विकल्प होकर के आराधना में लगो, ये काम तो हो सकता है, क्या करें? हाँ, मेडिसिन छोड़ करके कठोरता से पालन करें, अब ये समझदारी की बात है। अब जो जैसा करो साहब, आपके ऊपर छोड़ दिया, चलिए नीचे पढ़ते हैं अपन लोग। जो नीच दुर्जन दूसरों के शरीर से, दूसरे जीवों के पापों से, अर्थात पशु आदि जीवों को मारकर उनके मांस से अपने प्राणों को बलवान बनाना चाहता है, जो कोई भी व्यक्ति, तो उसे चाहिए कि वे अपने भले के लिए अपना ही वध कर ले। वे तुझे लग रहा है ना, इससे भला हो जाएगा दूसरे को मार करके, खुद के लिए खुद का ही वध कर ले वे, क्योंकि अन्य जीवों की हिंसा करने से जो नरक में गमन होता है उससे तो वह बच जाएगा, कम से कम उससे तो बच जाएगा। तात्पर्य यह है कि मांस भक्षण से अपने शरीर का बल बढ़ाना नरक में ले जाने वाला है, अतः किसी भी जीव की भक्षण आदि के लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहा भी है सुभाषित रत्न संदोह, 1, 2, 3, 4 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं, है ना, इसके धुन भी पता नहीं है। अपन नीचे फटाफट अर्थ देखिए। जो पुरुष प्राणियों के शरीरोत्पन्न, क्या, जो पुरुष प्राणियों के शरीरोत्पन्न अपवित्र कृमियों के स्थानभूत साधु जनों से निंदनीय दुर्गंधित मांस को दया रहित होकर भक्षण करता है, उसमें और कुत्ते में कोई विशेषता नहीं है। क्या लिख रहे हैं भाई साहब, क्या कहें, इतनी कठोर शब्दों के अंदर कोई कह सकता है क्या? क्या बोलो, क्या कहें, इतनी दृढ़ता से कोई व्यक्ति लिख सकता है? मांस कुत्ते, तेरे में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। अब ये कितनी कैसी भाषा हो गई है, अपने को बोलते हुए कितना अटपटा सा लग रहा है, किसी मांस भक्षण करते हुए ये और कुत्ता एक जैसा है, कुत्ते में और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये आचार्य देवी कह सकते हैं इस तरह की कठोर भाषा का प्रयोग, यही कर सकते हैं। देखिए, अन्न भक्षण वालों को भी स्थावर जीवों के घात से उत्पन्न हुई हिंसा लगती है, और मांस भक्षण करने वालों को भी त्रस्त पंचेंद्रिय घात जन्य हिंसा लगती है, अतः हिंसा दोनों में ही लगती है। अब ये मूर्ख लोग हैं, तर्क देते हैं इस तरह के लोग दुनिया में। अब ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उठाए हैं इस तरह के तर्क कि साहब देखो, हमने मांस खाया तो हमने गाय को खाया, बछड़े को खाया, अब आपने गेहूं खाया, गेहूं की रोटी खाई, तो आपने भी एक इंद्रिय जीव की हिंसा की, स्थावर थे ना उसमें, तो उसमें भी स्थावर थे, एक इंद्रिय जीव की हिंसा हुई और इसमें भी जीव की हिंसा हुई, तो हिंसा तो दोनों में बराबर है,
हिंसा हिंसा है दोनों, ऐसा कह देते हैं लोग। ऐसा कहकर जो अन्न तथा मांस भक्षण में समानता करते हैं उनकी बड़ी भारी भूल है। क्या? बहुत बड़ी भारी भूल है भाई सब, क्योंकि अन्नाशन में परमाणु के समान तो मांस भक्षण में, अन्नाशन में परमाणु के समान, अन्नाशन में परमाणु के समान, कौमा लगाना यहाँ पर, समान के बाद में कौमा लगाइए, अदरवाइज अर्थ समझ में नहीं आएगा। अन्न ग्रहण करने में, अन्नाशन का मतलब अन्न का भोजन, अशन माने होता है भोजन, अन्नाशन अन्न के भोजन में परमाणु के समान, तो मांस भक्षण में सुमेरु पर्वत के समान पाप है। क्या? इसकी हिंसा में और मांस भक्षण की हिंसा में बड़ा भारी अंतर है। कहाँ तुलना कर रहे हो भाई साहब, कहाँ तो परमाणु की हिंसा की बात, परमाणु बराबर पाप की बात, और कहाँ मेरु पर्वत बराबर पाप की बात, कितना अंतर हो गया। ये अंश मात्र एक परमाणु बराबर, और कहाँ सुमेरु पर्वत जितना बड़ा पाप, जमीन आसमान का अंतर हो गया। अन्न भक्षण करने में जो परमाणु के समान हिंसा होती है वह तपों द्वारा दूर हो सकती है, किंतु पर्वत के समान जो प्राणी वध में हिंसा होती है वह तपस्याओं से भी एक साथ दूर नहीं हो सकती। अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। मांस भक्षण तथा अन्न भक्षण में महान अंतर है। दुनिया है भाई साहब, कुतर्क करने वाले लोग हैं, बहुत हैं पूरे दुनिया भर में, लोग आपसे कुतर्क करते रहेंगे, कोटि कोटि बातें आपको कहते रहेंगे, ऐसे ऐसे कुतर्क करेंगे आपके सामने, तो फिर आप सांस क्यों लेते हो, तो फिर आप खाना क्यों खाते हो, तो फिर आपने आम क्यों खाया है, वो भी तो पेड़ से टूट करके आया है, तो फिर आपने एप्पल क्यों ले ली है, ऐसे ऐसे पागलों जैसी बातें करेंगे, क्या बताएं उनको, कौन समझाए कौन कहे। देखिए जरा आगे चलते हैं, आगोपालादि यत सिद्धम मांसम धान्यम पृथक पृथक, अर्थात बच्चे से लेकर वृद्ध तक मांस और धान्य पृथक पृथक वस्तु है, ये जानते हैं, क्योंकि धान्य मानये है इत्युक्ते न कश्चन मांस मानयेत, अर्थात धान्य मंगाने पर कोई मांस नहीं ला कर देता। अतः धान्य और मांस में बड़ा भारी अंतर है। उन मूर्खों से पूछो, हमने धान्य मंगाया है तो क्या आप मांस ला करके देते हो क्या, है? बोलो। हमने जैनियों से पूछा, हमें एक बात बतला दो, उन समझदार लोगों से पूछ रहे हैं हम, हमें एक बात बतला दो, जब कभी धान्य खरीदने की बात होती है तो क्या मांस लेकर के आते हो क्या। पूरे दुनिया का एक एक बच्चा बच्चा जानता है, धान्य अलग चीज़ होती है और मांस अलग चीज़ होती है, फिर कैसी बात कर रहे हो क्या। मांस इंद्रियों में बल देता है, लोगों के तर्क हैं, मांस इंद्रियों में बल देता है, उससे काम वासना की वृद्धि होती है, उससे पुरुष अयोग्य कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाता है, ऐसा ऐसा है, अयोग्य कार्यों में प्रवृत्ति करने लगता है। अतः सज्जन तथा बुद्धिमान पुरुष इस मांस को मन वचन और काय से छोड़ देते हैं। अन्य संप्रदाय में भी कहा गया है, अब इन्होंने स्पष्ट कह दिया, मन से वचन से और काय से सब तरह से इस मांस का त्याग कर देना चाहिए। तिल सर्षप मात्रम ने मांसम भक्षयन्ति ये द्विजहां नरकान्नान वर्तन्ते यावत् चंद्र दिवाकरौ आकाशगामिनो विप्रा पतिता मांस भक्षणात् विप्राणां पततम् दृष्ट्वा तस्मान् मांसम न भक्षयेत्। तिल और सरसों के बराबर भी, ये पहले भी आया था, ध्यान है क्या आपको, मांस भक्षण के प्रकरण में, मैं तो पढ़ते पढ़ते ही थोड़ा थोड़ा ध्यान आने लग जाता है, आप लोगों में से किसको याद आया, ये वाक्य अपन ने पहले भी पढ़ा है, ये श्लोक इन्होंने पहले भी दिया है, रिपीट हो गया ये श्लोक यहाँ।
तिल और सरसों के बराबर भी जो ब्राह्मण मांस का भक्षण कर लेते हैं उनको जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक नरक में रहना पड़ता है, अर्थात सदा के लिए नरक में वास करना पड़ता है। लो, तिल के बराबर भी यदि कोई व्यक्ति मांस खा ले, वे किसके बराबर? सरसों के बराबर। तिल के बराबर, सरसों के बराबर भी यदि कोई टुकड़े का सेवन कर ले वे, तो अन्य मत के शास्त्रों में ऐसा कहा है कि भाई साहब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नरक निवास रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नरक निवास रहेगा। यदि मांस भक्षण चख लिया है तो, मांस का भक्षण कर लिया है तो जब तक सूरज चांद का सद्भाव रहेगा तू नरक से निकल नहीं पाएगा। भैया सोच लेना जरा क्या कह रहे हैं, कितनी कितनी कठोर शब्दों में किस किस तरह की बातें कह दी गई है। जो विप्र विद्या के प्रभाव से आकाश में गमन करते हैं, समझदार लोग, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, वे मांस भक्षण के कारण पतित हो गए, उनकी विद्या नष्ट हो गई। अरे साधु महात्माओं ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों की बात कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे औहदे पर बैठने वाले, बड़ी बड़े तपस्या के बल पर अनेक प्रकार की रिद्धियाँ जिनके जीवन में प्रकट हो गई हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी विद्या नष्ट हो गई, अतः मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। पूर्व में हमने जैनियों के मांस भक्षण के संदर्भ में जब बहुत विस्तार से चर्चाएं की तो आपको बहुत तरह की बातें बतलाई थी, हमने बतलाया भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने मांस भक्षण के ऊपर एक प्रवचन किया था जैनियों की सभा और जैन मंदिर में बैठ करके, सिडनी में जैन मंदिर में बैठ करके हमने मांस भक्षण पर चर्चा की। अब आप सोचिए जरा, मांस भक्षण की चर्चा की तो क्या चर्चाएं की होगी जैनियों के बीच में, जैन मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच में, ऐसी ही चर्चाएं सब। द्विदल का सेवन भी मांस भक्षण है, त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई है, पीछे ऐसी ऐसी बातें कही थी, रात्रि भोजन करने वाले को भी मांस भक्षण का दोष लग रहा है, ऐसी बातें भी कही जाती है। बिना शोधे हुए याद यदि आप किसी वस्तु का सेवन कर रहे हैं तो मांस भक्षण में चला जाता है। यदि आपने काजू को खाते समय यदि उसके दो पीस करके नहीं खाए हैं तो आपका वो काजू सेवन करना मांस भक्षण के दोष से ग्रसित है, क्योंकि उसमें दो इंद्रिय जीवों का सद्भाव होने की संभावना है, लट इल्ली आदि होने की संभावना है उसमें। सोध करके खाएं, इलायची को खोल करके खाएं, डायरेक्ट नहीं डाल देवें उसे, मांस भक्षण का पाप लग रहा है। उंगली कट जाने पर, ये तो मैं बहुत कहता हूँ कई बार, मतलब एक प्रकार से प्रसिद्ध बात हो गई मेरे द्वारा, अनेक लोगों ने सुनी होगी, कट लग गया। मैं इस तरह से समझाता हूँ, बोलिए हम चल रहे थे रोड पर और चलते चलते एक बंदर ने आकर के हमारा हाथ नोच लिया और मांस निकाल करके ले गया, खून निकाल करके ले गया और खा गया क्या? और हमें ही नहीं, कई लोगों के साथ उसने ऐसा किया, तो लोग ये कहने लग गए ये जो बंदर है ये बंदर नरभक्षी है, ये जो बंदर है ये मांसाहारी हो गया है, इस बंदर से सावधान रहो। अच्छा सही है ना, आप भी यही कहेंगे हमारे मांस को बंदर ने खाया तो वो मांसाहारी, और हमारे ही खून को यदि हम पी गए तो मांसाहार है या नहीं है? तब भी तो मांसाहार होगा। उंगली कट जाने पर कभी मुख में नहीं जावे, ध्यान रखें। दांत में से यदि खून आने लगा है तो आप उठ करके कुल्ला कर लेवें, क्या पायरिया जैसा ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, तो आप उसे अंदर नहीं निगलें, उसे वो खून है उसे निकाल देवें, निकल जावे तो अच्छा है। पहले काफ़ी खुलासे किए हैं इन सब चीज़ों के इसलिए, लेकिन चूंकि अभी क्या है ये पूरा प्रकरण ऐसा सूखा सूखा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने जैनियों के हिसाब की भी बातें भले ही रिपीट हो जावे, बहुत सारे लोगों के लिए रिपीट होगी तो बहुत सारे लोग नए भी होंगे, पता भी तो नहीं है हमारी सभा में कितने लोग कब नए आ जाते हैं, कब पुराने छड़ ले जाते हैं, कभी कौन आता है। 80-90% लोग यदि परमानेंट होंगे तो 10-15-20% लोग, 10-15% तो कम से कम बदलते रहते भी होंगे, ऐसे भी होंगे। एक बार सबके कानों में ये बात तो चले जावे, जैनत्व के योग्य जो आचरण है उसमें उंगली कट जाने पर अपने हाथ का खून जवान से नहीं चूसा जाता है, क्या
ये पता लगना चाहिए हमारे को, घर के बच्चों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि बेटा उंगली कटते ही आदत में होता है भाई साहब, इतना हैबिट में होता है, पैर में लग जाएगी तो आप उसे नहीं चूसेंगे, यहाँ लग जाएगी तो नहीं चूसेंगे, लेकिन उंगली का तो पता नहीं क्या है, बचपन से हमने देखा है उंगली तो कटी नहीं, जैसे ही कटी तुरंत मुँह में, अरे भाई क्या कर रहा है, प्रयत्न करना पड़ेगा थोड़ा सा, पुरुषार्थ पूर्वक ही ये काम हो सकता है। देखिए मांस भक्षण के कारण सारी विद्याएं, आकाश मार्ग में गमन करने वाली सारी विद्याएं, ये सब नष्ट हो हुआ जाती है, सब खत्म हो जाती है क्या। और यह बात भी सही है कि एक बार बताई हुई बात आप लोग भी तो भूल जाते हैं क्या, 10-5% लोग नए हो जाते हैं और 25-50% लोग भूल जाते हैं, तो समझ लीजिए उनके लिए कही जा रही है बात। रक्तदान भी हमारे यहाँ वर्जित ही है, जैनाचार नहीं है, बस जैन धर्म नहीं है, जैन धर्म में इस दान को कोई स्वीकृति नहीं है, दान के नाम पर सोशल ग्रुपों वगैरह के माध्यम से जो भी किया जाता है वो सोशल वर्क है, सामाजिक स्तर पर आप जो कर रहे हैं सो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो धर्म का सवाल है भाई साहब, सोशल लेवल पर जो हो रहा हो सो हो रहा हो, और उसमें भी आप सावधान रहें, ऐसी चीज़ों में कोई धर्म मरम तो कुछ होने वाला नहीं है। करुणा दान हमने कह करके पुकारा था एक दिन, और फिर देखो अभी फिर कई तरह की परिस्थितियाँ बनती है, आज अपने ही घर में अपने ही बच्चे के साथ कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए तो हॉस्पिटल में खून चढ़वाएंगे कि नहीं चढ़वाएंगे, क्या करें, बड़ी भारी स्थितियाँ होती हैं। इसलिए सैद्धांतिक बात भी समझ लेना और उसका व्यावहारिक लेवल पर जितना संभव जितना पालन हो सके उतना भी यथासंभव करने का प्रयत्न करना भाई साहब। देखिए क्षेपक युग्मम, क्षेपक का मतलब कहीं बीच में ऊपर से डाल दिया गया हो, इस तरह का जोड़ दिया जाता है ऐसा। एक केसु आमेसु अविपच्य माणासु मांस पेशीसु संततीय मुववादो तज्जा दानम निगोदानम जो पक्कम अपक्कम वा पेशिम सस सय खादि फासदी वा सोकिल ऋणदी पिंडम जीवाण मणोग कोड़ीणम। मांस की पेशी अर्थात डली में चाहे वे पक्व हो या अपक्व हो, जिस जाति के जीव का वह मांस है उसी जाति के निगोदिया जीव पैदा हो जाते हैं। अब ये अमृतचंद्राचार्य देव ने भी ऐसी भाषा और शैली का प्रयोग किया है शब्दों का, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उन्होंने लिखा है जिस जीव का वो मांस है उसी जीव के शरीर वाले उसी जीव के आकार वाले उसी तरह के जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से घृणास्पद मांस को जो जीव भक्षण करते हैं या स्पर्श भी करते हैं वे जीव महान हिंसा के भागी होते हैं एवं अनंत प्राणियों का घात करते हैं। अनंत तो नहीं कह सकते अपन, हाँ अनंत भी कह दीजिए क्योंकि निगोदिया भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, निगोदिया भी तो हैं उसमें, असंख्यात त्रस जीव और अनंत निगोदिया जीव उनका वे सब जीव घात करते हैं, इसलिए मांस भक्षण सदा सदा के लिए छोड़ देने योग्य हैं। और यदि हम वापस ले चलें आपको आध्यात्मिक व्याख्या की तरफ, क्योंकि हम मनाने जा रहे हैं विशेष आराधना के पर्व, इसलिए हम आपको ले चलना चाहते हैं उस लेवल तक जहाँ पर शरीर के प्रति मग्नता को मांस भक्षण कह करके पुकारा गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती नीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन सिंगापुर।